दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 5 जुलाई सन 2023 बुधवार। दोस्तों आज का सुविचार है, सच केवल आलोचना में छिपा होता है, प्रशंसा में तो झूठी बातें होती हैं। देश का पहला चैनल अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, जो 77 लाख से ज़्यादा व्यू और 64,400 से ज़्यादा यूजर वाला देश का मल्टी कम्योडिटी का देश का पहला चैनल। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खबर निकल के आ रही है कि गेहूं और चावल की सरकारी नीलामी आज होगी 5 जुलाई सन 2023 को। नीलामी के दौरान 4.07 लाख टन गेहूं और 3.86 लाख टन चावल की ई नीलामी के जरिए भारतीय खाद्य निगम यानी FCI द्वारा खुले बाजार बिक्री योजना OMSS के तहत होगी। 5 जुलाई सन 2023 को होने वाली चावल और गेहूं की बिक्री पिछली नीलामी 28 जून को हुई थी, लेकिन उसमें उम्मीद के अनुरूप बिडिंग प्राप्त नहीं होती, बिक्री नहीं हो पाई थी। चावल की ये पहली नीलामी होगी। इस तरह से खाद्य निगम द्वारा एक ही दिन में लगभग 8 लाख टन खाद्यान्न की बिक्री का ऑफर किया जाएगा। दोस्तों ये गेहूं और चावल की कीमतों को बढ़ने से रोकने का एक सरकारी कदम है। इन नीलामी के तहत गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य FQ क्वालिटी का 2150 रुपये प्रति क्विंटल तथा URS संवर्ग के लिए 2125 रुपये प्रति क्विंटल नियत किया गया है, जबकि चावल का न्यूनतम आरक्षित प्राइस यानी रिजर्व प्राइस 3100 से 3173 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। यदि सरकारी चावल की क्वालिटी अच्छी हुई तो इस खरीद में खरीदारों की दिलचस्पी बढ़ेगी, क्योंकि हाल में ही सब चावल का भाव कुछ ऊँचे से एवरेज से भी तेज हुआ है। पहले यह माना जा रहा था कि खाद्य निगम एक महीने में 2 बार ही नीलामी आयोजित करेगी, लेकिन अब लगता है कि प्रत्येक सप्ताह इन नीलामी का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि पिछली नीलामी पर सरकार को जो रेस्पॉन्स मिलना चाहिए था वो रेस्पॉन्स नहीं मिला था और 1 लाख टन से भी कम की बोलियां प्राप्त हुई थी। इससे यह भी संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार घरेलू प्रभाग में खाद्यान्न की आपूर्ति एवं उपलब्धता बढ़ाने एवं कीमतों को नियंत्रण करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पहली नीलामी में 4.08 लाख टन का कुल ऑफर में से महज 85,580 टन की ही बिक्री हुई, लेकिन इस बार केवल 3 राज्यों में मामूली फेरबदल किए गए हैं, जबकि शेष राज्यों के लिए गेहूं की समान मात्रा आवंटित की गई है जो पहली नीलामी में आवंटित की गई थी। तो दोस्तों अब देखना यह है कि जब सरकारी नीलामी में 2100 रुपये के आस से 50 और 2125 की गेहूं मिल रहा है और 3100 रुपये के आसपास चावल मिल रहा है, तो इसमें व्यापारी इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि एक तरफ मंडियों में भाव चावल के आसपास चल रहे हैं और गेहूं की और चावल के, लेकिन सरकारी खरीद क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण यह भी है, एक तरफ आप स्टॉक लिमिट लगाते हैं, दूसरी तरफ स्टॉक को पोर्टल्स पे अपलोड के लिए बाध्य करते हैं, दूसरी तरफ आप खुले में बिक्री करते हैं। अब जिन व्यापारियों के पास स्टॉक लिमिट में है, अब वो नीलामी में कैसे भाग लेंगे? और आटा मिले या दूसरी जो हैं उनके ऊपर भी आपने लिमिट लगा रखी है, तो कुल मिलाकर और एक राज्य से दूसरे राज्य में आपका नीलामी में खरीदा गया खाद्यान्न आप नहीं ले जा सकते। ऐसी स्थितियों में व्यापारी वर्ग इसमें अपने आप को एक क्वेश्चन मार्क या प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि ये ऐसे कैसे, और यही वजह है कि सरकार को पहली नीलामी में भी कोई विशेष रेस्पॉन्स नहीं मिला था। आज जो 5 जुलाई को होने वाली नीलामी में हम आपको अपडेट करेंगे क्या रेस्पॉन्स आया, लेकिन कुल मिलाकर अभी भी व्यापारी और सरकार के बीच में, खरीदारी और बिकवाली के बीच में एक क्वेश्चन मार्क है। अन्यथा ये होना ये चाहिए कि जब मंडियों के अंदर गेहूं और चावल के बादाम इनकी स्टॉक लिमिट लगाने से पहले काफी थे, उसके बाद गिरावट हुई, अब नीलामी के अंदर हम भाग नहीं ले रहे हैं, तो ये एक रस्साकसी या टंग ऑफ वार चलता रहेगा। अब इसमें क्या आगे का होने की संभावना है उसके ऊपर हमने अपने सभी पेड क्लाइंट्स को रिसर्च अपनी दे दी है कि गेहूं और चावल के दाम जुलाई और अगस्त में क्या होंगे, क्या सरकार के प्रयासों से दाम बहुत तेजी से नीचे गिरेंगे या भावों के अंदर
तेजी आ जाएगी। अब प्रश्न यह है कि क्या इन नीलामियों में माल खरीद लेना चाहिए या और इंतजार करना चाहिए कि आपको मंडियों में इससे नीचे दाम मिल जाएंगे। ये एक प्रश्न चिन्ह है जो कि व्यापारियों के दिमाग में है। और दोस्तों आपको याद होगा एग्रो कमोडिटीज पर हमारा अनुमान और रिसर्च अक्सर सही साबित होता है, चाहे वो गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे खाद्य तेल हो, चाहे मसाले हो, चाहे पल्सेज यानी दालें हो। तो दोस्तों आप भी यदि व्यापारी हैं, स्टॉकिस्ट हैं, मिलर्स हैं और आपको पेड रिसर्च की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।